यूनिक कंप्यूटर सेंटर की आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज आपका बैलेंस शीट बनाने का टेस्ट होगा। तो टेस्ट को देने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग बिना देखे, बिना किसी की मदद के ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें, ताकि जब मैं आपको टेस्ट दूं तो आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत समस्या ना आए। और एक सुझाव और भी दूंगा, ध्यान दीजिए। इनमें ना देखिए ध्यान से, जैसे करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज है, इनमें एक एक दो दो लाइनों का स्पेस फालतू छोड़ दियो, ताकि अगर कोई नई चीज आए तो आप लिख सको। एक एक दो दो लाइन का स्पेस छोड़ दियो। लीजिए इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, या मैं आपको टेस्ट कर लो। आप लोग पहले, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 5 मिनट तक आपके पास समय है कि अपनी कॉपी के ऊपर बिना देखे, मदद नहीं लोगे कहीं से भी, मदद ले रहे हो तो मतलब नकल कर रहे हो, बिना नकल किए अपनी बुद्धि से बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर लिख लीजिए। जब स्ट्रक्चर आप लोग लिख लेंगे और मैं आपको टेस्ट दूंगा तो आप फटाफट उसको भर दोगे, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। लीजिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाता हूँ, आप अपना काम कर लीजिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग नकल नहीं करोगे। ये वो पढ़ाई नहीं है कि पढ़ के बढ़िया नंबरों से पास होना है, ये वो पढ़ाई है जो जिंदगी का असली एग्जाम आपका होना है। तो ये बेहद जरूरी है कि आप अपने काम में ईमानदारी बरतें। आप ईमानदारी बरतेंगे, एज ए टीचर मुझे पता लगेगा कि आपको कहाँ पर समस्या है, तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। अगर आप इधर से देख के उधर से देख के करके दोगे कोई फायदा नहीं, हल्की शाबाशी मिल जाएगी और कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अपने आप को धोखा दोगे, घर वालों को धोखा दोगे और अपने गुरु को धोखा दोगे। जो आता है केवल वो काम करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 10 मिनट में आप ये टेस्ट सोल्व करके दे देंगे और मैं आपको लेके चलता हूं अगले टेस्ट पर। ये लीजिए एक छोटा सा बैलेंस शीट का सैंपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें टोटल 14 आइटम हैं। इसके बेस पे आपको बैलेंस शीट तैयार करना है। इसकी फोटो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देता हूँ। ये लीजिए, जो व्हाट्सएप से देख के करना चाहते हैं करिए, शुरू हो जाएगा। चलो देखते हैं कितना टाइम लगाएंगे आप लोग। मैं वेट कर रहा हूं, एक्यूरेट बैलेंस शीट किसका आएगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो बैलेंस शीट मेरे पास आई है, परमजीत मैडम ने भेजी है, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए, आप ऊपर से देखिए। पहली बात तो बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एक लाइबिलिटीज और एक एसेट्स। लाइबिलिटीज में पहले लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट, देन लिखा जाएगा लोन एंड लाइबिलिटीज। लोन एंड लाइबिलिटीज के नीचे एक लाइन मारिए, मतलब अंडरलाइन करिए, ताकि इंडिकेशन हो कि ये एक हेडिंग है। उसके अंदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, फिर करंट लाइबिलिटीज के नीचे एक लाइन मारिए ताकि पता चले कि हेडिंग है, और फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बाद में ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सपेंसेस पेबल, और नीचे टोटल। राइट साइड में आइए, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के नीचे लाइन मारिए और 6 बातें आपको लिखनी है, स्टॉक, कैश, बैंक, लोन, एडवांस और सन्ड्री डेटर्स, और दोनों साइड का टोटल बराबर।
अगर बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब या तो आपने स्टेटमेंट गलत दी है, मीन्स मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, और या फिर आपने पोस्टिंग गलत की है, या फिर कैलकुलेशन गलत हुई है। मतलब कई संभावनाएं हैं। कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो पहले मैंने अपनी गलती मानी, कहीं ऐसा तो ना कि मैंने स्टेटमेंट गलत दे दी हो, ये भी हो सकता है। क्या पता आपने पोस्टिंग गलत कर दी हो, कोई अकाउंट जाना था एसेट्स में भेज दिया लाइबिलिटीज में, क्या पता आपने फिगर लिखने में गलती कर दी हो, और क्या पता आपने टोटल मारने में गलती कर दी हो। तो पहले आप अपनी तरफ से चेक करोगे, सही है कि मैंने पोस्टिंग ठीक की है, क्या मैंने अमाउंट ठीक लिखा है, क्या मेरा टोटल सही है। जब आप अपनी तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ सर मेरी तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन उसके बावजूद भी बैलेंस शीट ना मिल रहा, तो कृपया एक बार आप चेक करके बताएं, ऐसा तो नहीं कोई स्टेटमेंट में गलती रह गई है, सही है। चलिए इसको बोलते हैं दो दो दुनी चार, इसको बोलते हैं दो दो कॉलम का बैलेंस शीट, सही है। टोटल हो गए चार, जबकि जो एक्चुअल में बनती है वो तीन तीन कॉलम की बनती है। कितने की बनती है? तीन तीन कॉलम की बनती है। तो तीन तीन कॉलम वाली बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, बेहद नजदीक जा रहे हैं हम लोग के बैलेंस शीट इस तरह से हम लोग बना के देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है देखना ध्यान से कितना आसान है, क्योंकि अब आपका बेस बन चुका है। जो तीन तीन वाली बैलेंस शीट होती है ना, उसमें होता क्या है बताऊं? इसी एक कॉपी बना ली, यहां पर एक और कॉलम इंसर्ट कर लो, यहां पर, और यहां पर भी एक कॉलम इंसर्ट कर लो, बस बदल गया स्ट्रक्चर। अब आपको क्या ध्यान देना है, जब तीन तीन कॉलम की बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या बात विशेष होती है कि अगर कोई सब हेडिंग है, अब सब हेडिंग यहां पर कौन है? सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन है। तो सब हेडिंग का अमाउंट तो आएगा यह सब अमाउंट का कॉलम, कौन सा कॉलम है ये? सब अमाउंट का। इस पे भी अमाउंट लिखते हम लोग, जैसे मैंने खाली छोड़ दिया, इस पे भी क्या लिखोगे आप? अमाउंट। और इस पे भी अमाउंट लिखोगे, बट ये अंडरस्टूड है कि सब अमाउंट तो यहां आएगी और मेन अमाउंट कहां आएगी? अब जैसे कैपिटल अकाउंट है, ये तो मेन अमाउंट है, तो ये आएगा सीधा यहां पर। मान लो मैं लिख रहा हूं 10,000 रुपये, ये लो, सही है। और मैं तो एक्सेल में जब काम करता हूं ना, तो मैं एक्सेल का कलाकार हूं, मैं यूं नहीं करता, बड़े स्टाइल से काम करता हूं। ये अब आ गया सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। मान लो 5,000 रुपये सिक्योर्ड लोन है, 5,000 रुपये अनसिक्योर्ड लोन है। ध्यान देना, अब इसमें खास बात क्या आएगी? इन दोनों का टोटल यहां आएगा, लेकिन टोटल यहां आने से पहले आप जो नीचे वाली वैल्यू है उसके नीचे एक अंडरलाइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अंडरलाइन, ए यू, ताकि आपको पता रहेगा कि आप इन दोनों का टोटल लगा रहे हो, सही है। और यहां पर आएगा, अब सीधा चाहो तो 10,000 रुपये लिख लो, और एक्सेल यूज कर रहे हो तो एक्सेल में तो फॉर्मूले चलते हैं, आपको पता ही है, सही है। अब आ जाओ आगे, कहाँ पहुंच गए? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में मान लो 5,000 रुपये इसके हैं, 5 इसके हैं, 5 इसके हैं, और लास्ट वाले के नीचे क्या लगाओगे? अंडरलाइन। और यहां पर आकर के कितना कर दोगे? बोलो बोलो, 15,000 रुपये। अब इसका टोटल मारो कितना आएगा? 15 और 20, 35, सही है। तो ये थोड़ा सा आपको तरीका सीखना है कि जो सब अमाउंट है वो इस कॉलम में आएंगे, और जो सबसे लास्ट वाला अकाउंट होगा उसके नीचे क्या लगाओगे? अंडरलाइन। अब यहां फिक्स्ड एसेट्स कहां लिखूं? मेन अमाउंट में। कहां लिखेंगे? मेन अमाउंट में लिख दें। चलो टोटल मेरे पास 35,000 रुपये है, ठीक है। तो 35 में से मैं काम कर लेता हूं, 10,000 रुपये यहां लगा देता हूं, ठीक है भाई। 2,000 रुपये यहां लगा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी क्या है? मेन अमाउंट है। और करंट एसेट्स की फिगर में जो करंट एसेट्स के सब अकाउंट हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि करंट एसेट्स के जो सब अकाउंट हैं उनकी फिगर कहाँ लिखी जाएगी? यहां लिखी जाएगी, सही बात है।
चलो कितने हो गए? अरे 2000 लिखना था यार, मर गए। इतना ज्यादा कितने हो गए? 12 हो गए। कितने बचे हुए? 35 में से 12 घटाई हो, 35 में से 10 गए, 25, 25 में से 2 गए, 23,000 रुपये बचे हुए हैं। तो हो जाओ शुरू। ये लो, मान लो मैंने कहा भाई 5,000 रुपये का तो स्टॉक है, सही है, और भाई 3,000 रुपये का मेरे हाथ में कैश है, 2,000 रुपये बैंक में है। कितने हो गए? 5 और 3 8 और 2 10। कितने रह गए? 13। 13। ये ले पहले 3 का निपटारा कर। कितने रह गए? सही है। अच्छा अब देखो, इसमें तो समझ में ना आ रहा, तो यहां हमें क्या करना चाहिए? ये लो, सही है, एक लाइन मैंने क्या कर ली, एक्स्ट्रा में उतार ली, सही है। और जो बॉर्डर फालतू में आ गया, बॉर्डर की वैल्यू होती है यहाँ पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, समझ रहे हो? तो ये जो बॉर्डर आप लोगों ने लगा रखे हैं, ये बॉर्डर आपको बिल्कुल प्रॉपरली बना के देने हैं मुझे भी। यहाँ बॉर्डर की वैल्यू होती है, ये बॉक्स जो आपको बनाने हैं ना, कॉपी में भी बनाने हैं, कहीं ना बनाओ। अब देखो मैंने एक लाइन इंसर्ट किया तो मेरा सारा काम बिगड़ गया, लेकिन मैंने दोबारा ठीक कर लिया। और लास्ट वाले पे क्या गलती रह गई थी मेरी? अंडरलाइन है। अब तुम अंडरलाइन लगा के नहीं लाओगे। अब देखो मैंने अंडरलाइन लगाने के लिए कितनी मेहनत की है, और तुम्हें कॉपी में तो क्या मेहनत करनी होती है। सही है। डन, पक्का? अब मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा भाइयों, क्या तुम 3 कॉलम वाली बैलेंस शीट, इसको 3 कॉलम वाली बोलेंगे क्योंकि लेफ्ट में भी 3 और राइट में भी 3 है, बना सकते हो? अच्छा, इसका फोटो तुम्हारे ग्रुप में शेयर कर दूं? ये लो, तुम्हारे ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या अब आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो? अब की बार जो आप मुझे बैलेंस शीट बना के देंगे वो कितने कॉलम की दोगे? हाँ, 3 3। पक्का? कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। चलो तो हो जाओ रेडी। कुछ पूछना चाहता हूँ सर। हाँ जी, एक सेकंड एक सेकंड, आपकी आवाज बढ़ा देता हूँ मैं। आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूँ। जो निकुंज किशोर जी हैं, उन्होंने आज का टेस्ट नंबर 1 बहुत ही अच्छी प्रकार से सॉल्व करके मुझे दे दिया है। मेरा निवेदन है उनसे कि जिस तरह से आपने पहला टेस्ट सॉल्व किया है, ये आज का पहला टेस्ट है, ये 2 कॉलम वाली बैलेंस शीट है। अब इसके बाद में जो आपको अगला टेस्ट दिया गया है, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं, तो वो बैलेंस शीट अब आपको टेस्ट के रूप में सोल्ड करके मुझे देनी है। इस तरह से वो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जैसा आप तस्वीर पर देख पा रहे हैं। और ये आपका टेस्ट है, ये आपको 3 कॉलम में बैलेंस शीट बना करके मुझे देना है। उम्मीद करूंगा आप आराम से कर पाएंगे। कीजिए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। लो भाई, एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर मेरे पास आ चुका है, बनकर तैयार है, और बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में तैयार किया गया और विदाउट एनी मिस्टेक तैयार किया गया। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग भी सभी फटाफट इसी प्रकार से मुझे ये बैलेंस शीट तैयार करके देंगे। जल्दी कीजिए। लीजिए, अब एक बार होमवर्क के ऊपर ध्यान दीजिए। ये जो आपको मैं दे रहा हूं, ये डाटा घर पे करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है? मैं चाहता हूं कि ये आप आराम से बैठ के घर पे सोल्ड करके दें, ठीक है? 3 कॉलम में बैलेंस शीट बना के देंगे। और इसके साथ साथ, क्योंकि वीकेंड आज से ही हमने डिसाइड कर दिया है, घोषित कर दिया कि आज से वीकेंड शुरू हो रहा है, अब अगली क्लास मंडे को लगेंगी, तो मैं आपको कुछ वीडियोज शेयर करूंगा,
आपके ग्रुप में हो सकता है वही YouTube पे हमने वीडियो डाल रखी है, तो YouTube वाली वीडियो तो वहीं से प्ले हो जाएंगी, लेकिन अगर वो वीडियो मैंने Google ड्राइव पे रखी हुई है तो उसके लिए आपको मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा, तब आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो मैं आराम से खाली टाइम में बैठ के सोचूंगा कि मैं आपके पास ऐसा क्या भेजूं जो आपको पढ़ाई में मदद करेगा, ताकि ये जो मैंने आपको बोल दिया 3 दिन आप रेस्ट पर हो, तो ये एक्चुअली रेस्ट पर तो हो लेकिन साथ के साथ कुछ ना कुछ पढ़ाई, ठीक है। और यदि किसी कारण से मैं आपको ना भेज पाऊं तो आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, सर कुछ वीडियो के लिंक शेयर कर दीजिए, हम घर पे बैठ के देख लेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सोल्ड करके नहीं दिए तो वो सारे, आज के टोटल 3 टेस्ट हो जाएंगे, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3, तो ये तीनों ही टेस्ट आपको सोल्ड करके देने हैं जिन्होंने नहीं दिए हैं। आप लोगों ने दे दिए जो मेरे सामने बैठे हैं, तो आपको तो केवल एक देना है। जो बच्चा ऑनलाइन क्लास लगा रहा है, अगर उनमें से किसी ने नहीं दिया है तो उनको तीनों टेस्ट सोल्ड करके देने। तो आज का क्लास लगाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, सबका खैर।